साथियों, आज का भारत रिफॉर्म्स बाय कंपल्शन के बजाय रिफॉर्म्स बाय कन्विक्शन से आने वाले 25 साल का रोड मैप तैयार कर रहा है। देश आजादी के 100 साल मनाएंगे तब देश कहां होगा, इस लक्ष्य को लेकर के हम आज रोड मैप बना करके आगे बढ़ रहे हैं। दशकों पहले देश ने ये देखा था कि जब कोई रिफॉर्म मजबूरी में होता है तो इनके उसके इंस्टीट्यूशनलाइज होने की उम्मीद कम रहती है। जैसे ही मजबूरी खत्म होती है वैसे ही रिफॉर्म भी भुला दिया जाता है। रिफॉर्म जितने जरूरी होते हैं उतना ही जरूरी वो एनवायरनमेंट होता है, मोटिवेशन होता है। पहले भारत में बड़े रिफॉर्म तभी हुए जब पहले की सरकारों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। हम रिफॉर्म्स को नेसेसरी इविल के रूप में नहीं बल्कि एक विन विन चॉइस के रूप में मानते हैं, जिसमें राष्ट्रहित भी है जनहित भी है। इसलिए बीते 8 सालों में हमने जो भी रिफॉर्म्स किए उन्होंने नए रिफॉर्म्स के लिए रास्ते तैयार किए हैं। अरुण जी आज यहां भी जहां भी होंगे वो संतुष्ट होंगे कि वो जिस मिशन में भागीदार रहे उसका लाभ आज देश को मिल रहा है। जीएसटी हो या आईबीसी, इनको लेकर सालों तक चर्चा हुई, आज इनकी सफलता हमारे सामने है। कंपनीज एक्ट को डिक्रिमिनलाइज करना हो, कॉरपोरेट टैक्सेस को कॉम्पिटिटिव बनाना हो, स्पेस, कोल माइनिंग और एटॉमिक सेक्टर्स में को खोलना हो, ऐसे अनेक रिफॉर्म आज 21वीं सदी के भारत की सच्चाई है।